दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आज 22 मई को फिर से आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट लर्नर में आप लोगों का फिर से दोस्तों एक बार स्वागत है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, वीडियो में बहुत अच्छे लाइक्स और कमेंट्स आए, साथ में काफी लोगों ने उस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत हेल्प हुई वीडियो से। और इसी वजह से लोगों ने फिर से एक बार रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज एक और गाइडेंस चाहिए वीडियो में, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीक है इसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के लिए कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल के कुछ प्राइजेस को रिड्यूस किया है और एलपीजी सिलेंडर पे भी सब्सिडी के कुछ वादे किए हैं। और किस तरीके से ये सब चल रहा है, नैसडेक में लगातार गिरावट है और ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं कुछ चीजें नेगेटिव हैं, तो ये सब देखते हुए क्या किया जाए। तो दोस्तों बस यही सोच के और इतने सब आप लोगों के सहयोग से, आपके प्यार से ये संभव हो पाता है कि अपने बिजी शेड्यूल से मैं कुछ टाइम निकाल के एक छोटा सा वीडियो आज फिर से अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों। दोस्तों कल हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं पेट्रोल प्राइसेस को, डीजल प्राइसेस को लेके। तो देखिए ये सब करना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी भी था, लेकिन हमें ये पूरी उम्मीद थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमें पूरी उम्मीद थी कि नेक्स्ट क्वार्टर से कुछ इन्फ्लेशन डाउन आएगी, भले ही 0.5% डाउन आए लेकिन डाउन जाएगी इन्फ्लेशन। दूसरे नंबर पे ये बात है जो आप लोग पकड़ रहे होंगे कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हो रही है, एक दिन गैप अप तो दूसरे दिन गैप डाउन, किस तरीके के जबरदस्त मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, अगर आप लोगों को याद हो कि लास्ट वीक के लिए कि 17 मई और 19 मई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब उसमें कुछ लोगों ने ये अटकलें लगाई कि 17 तारीख को एलआईसी का आईपीओ आ रहा है इसलिए आप बोल रहे हैं, 19 तारीख को एक्सपायरी है इसलिए आप बोल रहे हैं। तो आप कुछ भी लगाते रहो, अगर आप वाई पे जाओगे क्यों क्यों क्या, तो मार्केट में ये जवाब आपको नहीं मिलने वाले। कुछ एक्सपीरियंस, कुछ टाइम डिवोशन, कुछ स्टडी, ये भी महत्व रखता है मार्केट में। हर चीज के पीछे पड़ना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो आपने देखा 17 तारीख को एक तरफा मार्केट ने बुल रैली दिखाई और 19 तारीख को मार्केट ने गैप डाउन दिया और एक तरफा मंदी दिखाई। तो मार्केट में क्यों दोनों इंपॉर्टेंट डेट थी इसका पता आपको चल गया। आज की वीडियो में भी कुछ ना कुछ एक दो दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले सप्ताह के, ये भी मैं चर्चा करूंगा। और आज क्योंकि बहुत समय हो गया है, पिछली दो तीन वीडियो से हमने चार्ट के दर्शन नहीं किए हैं, चार्ट स्टडी नहीं की है, तो आज की वीडियो में हम चार्ट की स्टडी करने जा रहे हैं और चार्ट पे समझते हैं। और देखिए मैं आपको फिर से आज चार्ट पे वही चार्ट दिखाऊंगा जिस चार्ट को मैंने एक फॉर्म्ड करके आप लोगों को दिखाया है बार बार वीडियो में। और ये भी बताऊंगा कि जब मैंने बोला था कि 15,700 फिर से घूम के मार्केट आएगा और वो लाइन पहले से ड्रॉ है और मार्केट ने फिर से वहां पे दस्तक दी और मार्केट वहां से फिर घूम रहा है, अब मार्केट कितना ऊपर को घूम सकता है और मार्केट में आगे क्या हो सकता है, ये पूरा जानेंगे चार्ट के माध्यम से। चलिए दोस्तों चार्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा चार्ट है, बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा ये चार्ट, अगर आपको याद आ रहा हो मैं इसको आपको पूरा समझा देता हूं। ये देखिए फिर से वही एक बात दोहराऊंगा, 2 मिनट के लिए इसे सुनिए ध्यान से। ये वो समय था जहां पे मार्केट ने अपना टॉप बनाया था और 19 अक्टूबर 2021 का वो दिन था। आप नीचे वॉल्यूम देख सकते हैं दोस्तों, कितने जबरदस्त वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम इससे पहले नहीं है, इसके बाद नहीं है, लेकिन कुछ वॉल्यूम जो बढ़ रहे हैं वो पिछले
चार पांच ट्रेडिंग सेशन से बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जहां मेरा कर्सर है, ये कुछ वॉल्यूम बढ़ रहे हैं 13 मई से, और ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम ये दर्शा रहे हैं कि अब कुछ मार्केट में एक्शन होना है, मार्केट कुछ एक्शन की तलाश में है। तो इसके ऊपर बहुत कॉशियस होके काम करें। पोजिशनल ट्रेडर ज्यादा पोजीशंस ना बनाएं, इंट्राडे में पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाएं, ज्यादा घर पे पोजीशंस लेके ना जाएं, टेंशन का सबब हो सकता है। दूसरे नंबर पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट चल रही है, चाहे वो स्टॉक्स में चल रही है और चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में चल रही है और चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चल रही है, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए यदि आपका बजट है। ओवर बजट बिल्कुल ना हो। अगर किसी को और फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार जरूर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 9973357764। जितनी वीडियोस हैं सब एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। जो भी हम हेल्प करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं। फोन पे भी कोई भी आप मैसेज करते हैं या बात करते हैं वो भी एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। वो एक गाइडेंस होती है, अपनी एक्सपीरियंस अपनी स्टडी शेयर करना होता है। हम कोई रिटर्न्स के या कोई गारंटी की हम कोई भी क्लेम दावा नहीं करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, मूल मंत्र कि जितनी सिप चल रही है रुकनी नहीं चाहिए यदि आपका बजट है। कुछ भी फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करना है उसे पूछ सकते हैं। अभी फ्रेश कैपिटल को हैवी अमाउंट को और हैवी एग्रेसिव तरीके से ब्लॉक करने का समय नहीं आया है। ब्लॉक करने का जब समय आएगा मैं जरूर बताऊंगा, मुझे जब लगेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी बहुत लोग सोच रहे होंगे, बहुत लोग कह भी रहे होंगे टेलीविजन पे या आस पड़ोस में आपके कि नहीं नहीं अब तो तेजी आ गई है, मार्केट तो तेज हो जाएगा। तो मार्केट ठीक है तेज हो जाएगा, मुझे तो मार्केट पहले भी मंदा नहीं लग रहा था, मैं तो अब भी मंदा नहीं बोल रहा हूँ। ये तो एक करेक्शन है महज, और करेक्शन अभी हम 15% तो करेक्ट कर चुके हैं, 5-6% के लिए भी गेट खुला हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अभी 5-7% की करेक्शन के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे अभी बंद नहीं हुए कि करेक्शन क्लोज नाउ ओवर आउट यू कैन बाय एंड बिल्ड अप द लॉन्ग पोजीशंस। ऐसा कुछ करना है तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है, सब लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जो बात, तो 19 अक्टूबर को जब हाई लगा उसके बाद में फिर एक लोअर हाई बना, उसके बाद फिर लोअर हाई बना। तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी अगर आपको याद हो, जब मार्केट यहाँ आया था, और मैंने ये पहले से लाइन ड्रॉ की हुई है और मैंने वीडियोस में पहले भी दिखाया है कि मार्केट को यहाँ आना चाहिए, और मार्केट जैसे यहाँ आया अगले दिन रिवर्स कर गया। तो मेरा इस दिन आप देखेंगे 9-10 मार्च के आसपास यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है कि दोस्तों अब मार्केट क्योंकि यहाँ पे टच करके फिर से रिवर्स हो गया है तो यहाँ आने की प्रबल संभावना फिर से बढ़ गई है। और मार्केट ने किया क्या, मार्केट यहाँ से तेज हो गया और ऐसा तेज हुआ कि 18100 का हाई मार्केट फिर से फिसलना शुरू हुआ। और मार्केट ने इस बार थोड़ा समय यहाँ बिताया, मुझे यहाँ लग रहा था यहाँ मार्केट को 4-6 दिन हफ्ता भर रहना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो हम एक न्यू हाई के आसपास होते। बट इस बार भी मार्केट ने सिर्फ इस बाउंड्री को टच किया, इस चैनल के अंदर नहीं एंटर किया अपने आप को, और इस चैनल के अंदर एंटर करके अगर थोड़ा समय बिता दे और अपने सारे ऑर्डर फिल कर ले तो एक अलग ही मजबूती की एक मतलब हमें खुशबू आएगी और बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन वैसा नहीं कर रहा है, पता नहीं मार्केट क्या चाह रहा है। मार्केट चाहे जो चाहे, अब हमें मार्केट को ही फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट अगर चाहता है कि हम ट्रेडिंग करें तो ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट चाहता है कि नहीं अभी मेरा मूड खराब है आपको कुछ नहीं करना है तो हम बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है कि मार्केट का क्या रवैया हो रहा है। आप देख सकते हैं ये वो तारीख है, ये वो कैंडल है, कौन सी 17 तारीख, 17 मई को लगातार एक तरफ आपने देखा कि तेजी बनी हुई थी, और 18 तारीख में मार्केट ने एक न्यूट्रल फेस सा रखा और 19 तारीख में गैप डाउन दे दिया। देखिए ये 19 तारीख है, और अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे में
उसने एक इस गैप को, पूरे गैप को फिल करने का काम किया इस कैंडल ने। तो कहीं ना कहीं यहां से मार्केट ने एक ये स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है कि एटलीस्ट इस गैप को भर के कि मार्केट की वॉलिटिलिटी को कम करने का प्रयास किया इस कैंडल ने। लेकिन मार्केट में जिस तरीके से कैलकुलेशन मेरी निकल के आ रही है, क्योंकि मुझे इसका भी अंदाजा है, ये जो लेवल है 16600 के बीच का जो लेवल है, यहाँ पे हमें बहुत तेज चंचलता, जिसे कहते हैं वॉलिटिलिटी, देखने को मिल सकती है। बहुत ही एग्रेसिव मूव देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ मार्केट में दो दिन, यानी कि कल का दिन और परसों का दिन, इट मीन्स 23 मई और 24 मई को दो इंपॉर्टेंट प्रेशर डेट आपको देखने को मिल सकती है। और अगर 23 और 24 में ये चीज नहीं देखने को मिली, तो 26 में यकीन कीजिएगा जरूर मार्केट एक बिग वॉलिटिलिटी दिखाएगा। हालांकि 23 और 24 में भी बहुत अच्छी उठापटक, एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे मार्केट सीमित दायरे में, ज्यादा मैक्सिमम तेजी अगर हुई अगले 20-25 दिन में कुछ अगर मार्केट ने पकड़ा, तो ये जो लाइन खिंची हुई है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा 17400 वाली, ये आखिरी है इसके लिए, क्योंकि इसके बाद गेट फिर से नीचे का खुला हुआ है। मुझे तो मार्केट वहां ऊपर जाएगा, वहां से बिल्कुल धड़ाम गिरेगा, बहुत दुख होगा। मैं तो चाहता हूं कि मार्केट यहीं से नीचे और फिसल जाए, थोड़ी सी तो फिसलने की बात है, फिसल के करेक्शन पूरी करके फिर एक अच्छा बेस बना के चले। लेकिन मार्केट माई बाप है, मार्केट जो चाहेगा हमें वो फॉलो करना है। तो अगर मार्केट यहाँ पे अपने ऊपर के लेवल दिखाता है तो हमें ऊपर के लेवल देखने हैं, नीचे के दिखाता है तो नीचे के देखने हैं। लेकिन मैंने बताया, जैसा कि कल और परसों में अच्छी वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उसका ध्यान रखिएगा। और अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको जो मिलेगी वो मैंने कैलकुलेट की हुई है दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास में 15780 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, फिर दूसरी सपोर्ट है 15600, और थर्ड बिल्कुल मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बहुत स्पाइक मूव आ जाए तो भी 15300। पहले से ही कोई खास चेंजेस नहीं है, उसी तरीके की सपोर्ट्स हैं और रेजिस्टेंस हैं जिस तरीके से पिछले वीक थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो 15700 एक इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। अब चर्चा कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या मिलने आ रहा है, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास में। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैंने निकाले हैं, जैसा कि पिछले हफ्ते भी आपने देखा कि 16400 के बाद मार्केट ने टच करते ही नीचे की एंट्री मार दी थी, नीचे चला गया था मार्केट। तो मेरा पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 16450 था, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आज फिर से 16450 ही है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 16450 है। यदि 16450 को तोड़ देता है, क्लोज कर देता है डेली बेसिस पे, तो आपको 16700 के दर्शन करवा देगा मार्केट। अगर क्लोज कर जाता है 16450 के ऊपर, क्लोज करता है, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर इंट्राडे में 16450 आया और उसके नीचे क्लोज कर गया, तो कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि 16700 जाएगा, क्योंकि 16700 अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये दो रेजिस्टेंस है। आप अगर कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपने तीन दिए हैं, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी तीन लेवल के दे दीजिए। तो तीसरा लेवल मैंने निकाला हुआ है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक के लिए, और वो है 16950 वाला। ये कहीं ना कहीं एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो 16950 कह सकते हैं। बस ओवरऑल तो मेरे को यही लग रहा है कि यहाँ पे ये ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि हमारा वीक चल रहा है 23 मई से 27 मई वाला जो वीक चलेगा,
उसके लिए है। और बस इस बात का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करिए वीडियो में, वीडियो के अकॉर्डिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर कीजिए, और चैनल को भी आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ में सर, नमस्कार, जय माता।